नमस्कार आप सभी को। देवकी वीआरएस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के लंबे उपवास के लिए आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको सादगी, शक्ति और साथ ही क्रिस्पी टेस्ट भी देगी। और आज की रेसिपी है नवरात्रि स्पेशल भेल। नवरात्रि स्पेशल भेल के लिए मैंने लिया है आलू, खीरा, अनार, करी पत्ता, नींबू, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और पुदीना। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल फ्रेश ली हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए दही, मूंगफली, सरसों और जीरा, तेल, नमक, ये उपवास का नमक है। और इसके साथ ही मैंने सेव लिया है और ये सेव है आलू और साबूदाना को मिक्स करके कल ही मैंने ये फ्रेश बनाया है। हमें आलू को उबाल कर छील लेना है। इस अनार के हमें बीज निकाल लेना है। खीरा को छील के छोटे छोटे पीस में कट कर देना है। मूंगफली को हमें भून के उसका छिलका निकाल के थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। दही को फेंट लेना है। तो ये सारी बेसिक तैयारी हमें भेल के लिए कर लेनी है। सेव की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए मैंने दही को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। मूंगफली को हमें भून लेना है अच्छे से। ये गैस मैंने पहले ही ऑन करके रखा था। ये बर्तन अच्छे से गर्म हो गया है। ये देखिए हल्के हल्के गुलाबी कलर इसमें आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इस प्रकार इसको दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे छिलकों को अलग कर लेंगे। ये देखिए हमने इस प्रकार से मूंगफली को तैयार कर लिया। ये देखिए हमने इस प्रकार दाने निकाल लिए हैं। खीरा को छील लेना है। मैं इस प्रकार से बीज है तो ये हमने इसे निकाल लिया है। ये बीज हमें भेल में नहीं डालने हैं। खीरा को हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट दिया है। मिर्ची को हमने कुछ बड़े टुकड़ों में रखा है और कुछ बारीक टुकड़ों में रखा है। धनिया पत्ती को हमने चॉप कट कर दिया है। नींबू को काट के रखा है। करी पत्ता और ये पुदीने के पत्तियां हैं, इसको भी हमने उसके डंठल से अलग करके रखा है। आलू को बॉईल करके छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से कट करके रखना है। ये देखिए हमने आलू को इस प्रकार से कट करके रखा है। अब हम दही को तड़का देंगे। इसके लिए मैंने गैस पे तड़के वाला पैन रखा है। इसमें हम बहुत थोड़े ही अमाउंट में तेल डालेंगे। तड़का कड़क लगना चाहिए, इसलिए तेल को बहुत अच्छे से गर्म होने दीजिए।
इसमें हमने इस प्रकार दही को तड़का दे दिया है। अभी हम इसे थोड़ा सा उपास वाला नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। सबसे पहले हम कटे हुए आलू लेंगे। दही को मिक्स करेंगे। ये मैंने आधी दही ली है और आधी दही वैसे ही रखा है, बाद में हम इसे ऊपर से डालेंगे। ये मूंगफली के दाने और हम इसे थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। नमक बहुत ही थोड़ा डाला है मैंने, क्योंकि ये दही अब खीरा अपना पानी छोड़ देगा। प्लेट में हम ये मिक्स किया हुआ इस प्रकार रखेंगे। इसके ऊपर हमें सेव डाल देने हैं। दही की एक लेयर डालेंगे। थोड़ा नमक हमने दही में भी डाला था। तो बनाते समय कुछ मिश्रण रह गया था, तो उसकी मैंने छोटी छोटी पूरियां बना दी थी। से थोड़ा बूंद निचोड़ लेंगे, एक दो बूंद ज्यादा है। ऊपर से हम थोड़ा सा और ऐसे नमक छिड़क देंगे। ये तैयार है हमारी नवरात्रि स्पेशल भेल।
आप देख रहे हैं ये भेल कितनी ही पौष्टिक और अच्छी लग रही है। इसे खाकर आपको निश्चित ही बहुत अच्छी ताजगी महसूस होगी। ऐसे ही सुंदर रेसिपी के लिए मेरे चैनल देवकी वीआरएस ब्लॉग पर बने रहिए। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।